कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा, सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि रेन बाजार पीएस लिमिट के पास से है। फिर से एक बार शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, दुनिया भर से तो नहीं कहेंगे लेकिन हमारे इंडिया के देश भर से कहीं कोनों में बैठकर कहीं लोग हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते जा रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अब तक जो है अनगिनत बार जो है इस तरह की गुस्ताखी की गई है। अब तो हद ये ख़त्म हो गई कि पुराने शहर में रहने वाला, ब्रह्मन वाड़ी में रहने वाला एक शख्स हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, बात उसके मोहल्ले के नौजवान, वहाँ के मुकामी नौजवान जो है रेन बाजार पीएस के पास जमा हो जाते हैं, एहतजाज करने लगते हैं। और जिसने गुस्ताखी की है उसका नाम था किशन, किशन के ऊपर सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा करते हैं। फिर बात उसके देखते ही देखते जो है तादाद बढ़ते जाती है, एहतजाज शुरू हो जाता है। वहीं पर फिर मौके वारदात पर एडिशनल डीसीपी और डीसीपी सौजोन मौके पर पहुंचकर आवाम को इत्मीनान देते हैं कि किशन के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, आप हम पे भरोसा रखें। इस तरह का दिलासा देने के बाद वहां से आवाम चली जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है बरमवाड़ी में रहने वाले किशन के खिलाफ। हर वक्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कर रही, हर वक्त कर रही और हर वक्त मुसलमान को दबा रही। क्या बोल रही, क्या बोल रही, खाली बात बोल रहे। हम एक्शन ले रहे, क्या एक्शन ले रहे, हमारी जान लो, हमारे को अरेस्ट करो, अब भी अरेस्ट करो। हम अरेस्ट कर जाते हैं तो भाई को मारते हम लगाओ बोले हो, हमारे को हम नहीं सुनते। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोले आग लगाते या हम अरेस्ट होते, आगे आने को आग लगाते जो भी है लोग, थोड़े बहुत जने इधर है, हम लोग ठहरते सुकून से, मसला नहीं है। इससे बहुत डबल ट्रिपल थी पब्लिक आपके नॉलेज में, आपके रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स आपको इन्फॉर्म करे होंगे, है कि नहीं? इससे बहुत डबल ट्रिपल थी। सर यहाँ पर जिंदगी जीने से जीना बेहतर है सर, गोली मार दो बराबर भाई, बराबर बेशक मार दो सर, हम मरने लिए रेडी है, मार दो सर। मगर क्या है साहब, ये हर बार हो जा रहा भाई, ऐसे कोई यहाँ चल जा, आप उसको अरेस्ट तो भी करो ना भाई, यहाँ डेढ़ पे खामोश, हमको खुशी को कुछ भी उनके साथ पैसे पर बात करते कैसे, भाग गया है हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सुनो, चीज पब्लिक में लेबल सकते, आप बोल रहे हैं जो करने का था आपका सुनना हमारा भी, बराबर सुनो भाई, आपकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना सर। नहीं साहब, एक करो, एक एक मिनट, नहीं नहीं, कैसा सर, आपकी रिस्पेक्ट करना पड़ता सर, हमारा माइंड सेट ही वैसा नहीं है सर, बोलना क्या चाह रहे हैं, एक मिनट, नहीं हमारे को अश्योरेंस नहीं चाहिए, सुने ना, हमको अश्योरेंस नहीं चाहिए आपको, आप अगर ले रहे हैं, अगर आप जुबान दे रहे हैं साहब, तो फिर काम भी करके बताइए, बराबर कर दे, बराबर बराबर कर दे, क्योंकि बराबर कर दे, सुनिए बोले ना इसे, सुनो आप, क्योंकि कितने आदमी को बोलना, बोला कितने आदमी को बोलना, एक आदमी को बोला, बस बोल दिया ना, सुनो आप एक आदमी को बोल दे दिए हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, हम बराबर कर दे, एक्नॉलेजमेंट दिए, आप एफआईआर कॉपी दीजिए, फिर आप काम भी करके बताना, आप काम भी करके बताइए, हम बराबर कर दे रहे बाबू, हम कर दे ना, बस बराबर, जाने की बात नहीं है, जाने जाना तो हम किसी के हाथ में भी नहीं है, एफआईआर दीजिए, बताइए लेंगे, हां ठहर दे,
जब तक तौली हमारे हाथ में आई नहीं, हम देखे नहीं जब तक थिएटर साहब। सुनो कोई तो भी एक आदमी बात करना सही बात है। अच्छा थोड़ा दूर और जाओ भाई, थोड़ा दूर और बोले सर अभी आप वकील है ना जी सर। एफ आई आर कौन सा केस है करते? कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केस रहते। कॉग्निजेबल केस में इमीडिएट एफ आई आर करते, नॉन कॉग्निजेबल में क्या करते? थोड़ा टाइम लगता। कैसा क्या करते? पुलिस वाला जी डी एंट्री करते, कोर्ट को एक लेटर लिखते, कोर्ट को एक लेटर लिखते, लेटर लिख के कोर्ट का परमिशन लेते। वो परमिशन आने के बाद एफ आई आर करते। तो अरेस्ट कर लिया किसको? वो बंदे अरेस्ट कैसा करते हैं? रिमांड में लेता है सर। उसको नहीं ले लिए सर अभी, रिमांड में उसको नहीं ले लिए सर। आप पीएस लोग आप बताओ पहले पकड़ के। अच्छा उन्होंने आपको अब्सकॉन्डिंग है सर? अब्सकॉन्डिंग है उन्होंने, हम वो कोशिश में है। मैं टास्क फोर्स डीसीपी हूँ, इन लोकल डीसीपी है, समझे? आप सही बात है। सुनो भाई पूरी बात सर, हम एक आदमी से बात करते बोले। ठीक है बात करिए। हाँ तो एक मिनट सर, आप रुको, आप बोलो। बोलिए आप बोलिए, सुन लेके आपकी बात फिर मैं बात रखता हूँ। आपका हो गया तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब हमारे जब ये मजहब पे मसला आया, जब हमारे कोई ये देखिए आप ये क्या है, पॉलिटिकल कोई ये झगड़ा नहीं है, ये क्या है रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट है ना हमारे को, और हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम यहाँ पर ठहर के प्रोटेस्ट कर सके। आपका कोई राइट्स नहीं हमको नहीं है अनलॉफुल है बोलने के लिए, सबसे पहली चीज़ सर। सेकंड चीज़ क्या है, अगर हम हमारे पास अगर आप खामोश बैठेंगे, इससे पहले यदि वो कुत्ते के बच्चे का हुआ महाराष्ट्र का वहाँ पर हुआ, तो 100% हमारे जो सब पॉलिटिकल लीडर्स जाके रिप्रेजेंटेशन दिए, हमारे बच्चे भी प्रोटेस्ट करें। अब तो ये हमारे इलाके में हुआ ना सब, बताओ अब ये क्या चीज़ लॉफुल है? ये चीज़ होना चाहिए नहीं हुई, हम तो अमन नहीं हुई ना, नहीं हुई ना, हम तो अमन बरकरार रखे ना, तो भी हमारे बच्चों की हमारे हमारे मुसलमान भाइयों की आप अल्लाह का शुक्र अदा करिए, हम खामोश बैठे हुए सिर्फ एफ आई आर का खामोश बैठे हुए हमारे ये सबर है मुसलमानों का जो हम खामोश बैठे हुए, हम लॉफुली हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे क्या? हम सिर्फ यहाँ पर ठहर के पुलिस वालों को उनका काम करो बोल के बोल रहे। आप एफ आई आर करिए, मैं नहीं कर रहे बोल के बोला, आप कर रहे ना एफ आई आर करिए यहाँ पर बताइए, फिर सेकंड टाइम हम जब प्रोटेस्ट करेंगे साहब वो एफ आई आर का अच्छी बात है बहुत। कंप्लेंट ली है ना, कंप्लेंट की एक्नॉलेजमेंट कॉपी, एफ आई आर क्या होता है क्या है मेरे को बताओ, फिर अपन बात करेंगे जो भी बात करना है कि नहीं बराबर है कि नहीं बराबर। सेकंड चीज ये है, कल पीसफुल कहीं पर भी शहर में धरना निकालेंगे तो हम पीसफुल ही निकालेंगे, और हम आपको प्रोटेस्ट करने से तो नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता हमारे, हम तो बोल ही नहीं सकते किसी से अल्लाह फुल बोल के साथ। लाठी चार्ज भी हो जाए, अरे लाठी चार्ज क्या भाई, फांसी देने दियो सबसे पहले हमें, अभी करे तो आदमी और पूरे हमारे तो बता रहे हैं प्रोटेस्ट करेंगे, बराबर करेंगे, कल से करेंगे प्रोटेस्ट, जब तक उन्हें अरेस्ट नहीं हुआ जब तक हमको खामोश बैठना तो नहीं है। बराबर खुली सीधी बात, एफ आई आर कोर्ट सब आदमी देखेंगे, जो आया जो गया उन्हें जो सो नहीं का टिफिन अगर चोरी हो गया तो 2 घंटे में आप लोग ढूंढ ले सकते हैं, उन्हें बोल दे के 3 दिन हो गया आप लोग ढूंढो, हम लोग देख लेंगे चले जाते हैं, आप लोग ढूंढ के दियो बोल रहे हैं। हम लोग रेन बाजार में हम लोग को एक कंप्लेंट आया जिसमें किशन कुमार नाम का एक व्यक्ति जो है उसने कुछ ऑब्जेक्शनेबल और कम्युनल नेचर के स्टेटस अपडेट किए हैं, जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने उसकी खोज और जांच शुरू कर दी है। इमीडिएटली हम उसको पकड़ेंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लेंगे। इस बारे में दोनों कम्युनिटीज़ में थोड़े से र्यूमर मॉन्गरिंग होने की वजह से कुछ उनको गलतफहमी हो गई थी, और दोनों साइड से हमारे ऑफिसर्स ने बात की है, बोथ साइड्स आर सेटिस्फाइड कि इसमें कोई भी दूसरा एंगल नहीं है, और इसमें जो व्यक्ति ने इस तरह के पोस्ट किए हैं उसको इमीडिएटली हम पकड़ेंगे, और सोशल मीडिया में और सभी जो हमारे मीडिया व्यक्ति हैं उनसे यही हमारी रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके की गलत फहमी और र्यूमर मैंगरिंग और गलत इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट ना करें,
अभी यहाँ पे स्थिति एकदम शांतिपूर्व है और सेंसिटिविटी ऑफ सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ओनली वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन ही वो लोग पोस्ट करें और जिसने भी ये पोस्ट किया है किशन कुमार उसको हम इमीडिएटली पकड़ेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन। कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है? कम्युनिटी के लिए यही मैसेज है कि हमारी जो ये गंगा जमुना तहजीब है और जो कई सालों से यहाँ पे हैदराबाद में है, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जानी जाती है, हम लोग हर फेस्टिवल जो साथ मिलके मनाते हैं चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो और उसको पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो जब ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन होती है पब्लिक से एक यही हमारी रिक्वेस्ट है कि ओनली वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन को विश्वास करें। किसी भी इंसिडेंट में इन्फ्लेटेड या रूमर मॉन्गरिंग जो होती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया इसको मार दिया उसको मार दिया, अनलेस वो वेरीफाइड हो और प्रॉपर सोर्सेज से आई हो उस पर विश्वास ना करें और पुलिस पे विश्वास रखें कि जिसने भी ऐसा काम किया उसको हम पकड़ेंगे और उस पर कार्रवाई करें। बेस्ट क्वालिटी इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर वन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कॉन्टैक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस.com ताकि आपके घर तक पहुँच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।